अबे निकालना, रुक जा, क्यों ड्रामा कर रहा है, खोलना। अबे वार्डन को तो जाने दे। अबे गया वार्डन, निकालना। अच्छा रुक, अबे जल्दी कर, अबे सबर करना। जो औरत हसीन व मन चली होती है, वह अपने पति को लाइसेंस के रूप में मानकर औरत का मजा लेने को बेकरार रहती है। उसी में से एक थी माधवी। कौन वो, नाइन क्लास वाली? चुप रहे, वो तेरी भाभी है, जो हर रात एक नई चाह में बेकरार रहती थी। अबे मोटे दिख रहा है, अबे टूट जाएगा धीरे धीरे। मेरी उम्र 20 साल है, 4 साल पहले अपने साथ पढ़ने वाले एक नौजवान को दिल दे बैठी थी। उसके छूने से ही मेरे तन बदन में कब कभी दौड़ जाती थी। मामा, 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 हाँ? मामा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी? नहीं। वो ऐसे नहीं घबराते? वो दुनिया में सब बीमारियों का इलाज है, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए दिल्ली में। और सुन, दूध के साथ 4 दिन शिलाजीत खाएगा ना, सब टनाटन हो जाएगा। ऐसी बात नहीं करते मामा, वो बात नहीं है। वो तो क्या बात है फिर मामा, मुझे अभी नौकरी भी नहीं करनी है, मुझे दिल्ली जाकर जेएनयू में एमफिल करनी है हिंदी में। अरे तो कर लेना बाद में, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। वो हमने नहीं की शादी, भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने नहीं की शादी, है रावण और मंदोदरी ने नहीं की शादी। वो किशन जी महाराज की 16,000 रानियां थी। तो फिर मेरे घर में हनुमान जी की मूर्ति क्यों लगा? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। अरे पूरे हिमाचल की सबसे सुंदर लड़की से शादी करवा रहा हूँ तेरी, सुशील, सुंदर, संस्कारी। और मटन तो ऐसा बनाती है भांजे, आह, थाली में से उठ के मटन कहता है मुझे खाओ, मुझे खाओ। मटन अच्छा बनाती है? अरे मटन अच्छा बनाती है, चाय अच्छा बनाती है, और क्या चाहिए। बर्तन भी धोएगी? अरे बर्तन धोएगी, चूल्हा चौका करेगी, पोछा करेगी, तेरे कपड़े धोएगी। है तू दफ्तर जाएगा ना तो तेरे को टिफिन बना के देगी, दफ्तर से जब वापस आएगा ना तेरे पैर दबाएगी, हाथ दबाएगी, और क्या चाहिए तुझे। तो फिर तो मैं आराम से लिख भी पाऊंगा। और जिंदगी भर लिखता रहिए, जिंदगी भर लिखता रहिए। पर तूने तो रट लगा रखी है, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी मामा जी, शादी नहीं करनी। ये कौन सी बात हो गई? मामा, मामी जैसी निकली तो? ओ अशुभ बातें नहीं बोलते, मामी जैसी निकली तो? ओ चुप कर जा तू, आराम करने दे। सुनिए, आप चाय पियोगे या कुछ और? हाँ चाय, चाय पी लूंगा। ठीक है। Oh.
आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब से घर आई हूं मुझे ठीक से देखा भी नहीं एक बार। वो तुम इतनी सुंदर हो ना, मुझे डर लगता है। आपके लिए हूं मैं, मुझसे क्या डरना। आपके शहर में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूं, लिहाजा जो कुछ सुना के जाऊंगा आपके लिए ताजा तरीन होगा। शेर कहने से पहले एक आजाद पेश कर रहा हूँ। पंडित जी हिंदी में? अरे भैया उनको हिंदी आती है यार, मैंने इंग्लिश बोल दी। आप चुप रहिएगा, दिमाग मत खाइएगा हमारा। 5 साल बाद पहली मर्तबा तो मौका मिला, सारी फसलें निकाल के जाऊंगा मैं। धन्यवाद। तेरे शहर का मौसम, तेरे शहर का मौसम बहुत सुहाना लगे, घर में एक शाम चुरा लूं कहीं तुम्हें बुरा ना लगे। लेट करा दिया तुमने। अरे यार अब इतनी रात हो गई है, लौट चलते हैं। यार तुम पागल तो नहीं हो? पता कितने कठिन परिश्रम के बाद मुझे मौका मिला आज। अरे तुम्हें मौका मिला यार, वो लोग चाटते कितना है वो लोग यार। धीरे बोल, पता कितने बड़े बड़े साहित्यकार आते हैं यहाँ पे, ये भारत देश का नाम रोशन करेंगे आगे जाके ये लोग। हाँ, ऐसे साहित्यकार तुम? ऐसी कविताएं मैं 2 मिनट में लिख दूं ऐसे? अच्छा, हाँ इतना आसान है? अरे तू अपने दोस्त को जानता नहीं है, लिख के बताऊंगा। बोल के आइए बैठिए, खून पिएंगे श्रीमान। अभी हम आमंत्रित करना चाहते हैं आपके शहर के महान लेखक और कवि, क्या नाम बता था आपने? राजाराम वैष्णव। हाँ, राजा रामदेव वैष्णव उर्फ हंस जी को। शांत हो जाइए। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कुछ पंक्तियाँ। मैंने वो अपने पहाड़ी भाइयों के लिए लिखी हैं, जो अपने सपनों को सच करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं। उस काले गहरे पानी से, उस काले गहरे पानी से मोती बटोरने के लिए विचलित उस पंख ने। दोबारा बोलता हूँ, उस काले गहरे पानी से मोती बटोरने के लिए उस विचलित हंस ने अपने पंख फैलाए, ऐसे जैसे पूरा आसमान इकट्ठा करने की कोशिश में था वो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कोशिश में था कि उड़ चले वहां जहां पानी पारदर्शी हो। आप बोले। इतनी देर हो गई? हाँ। खाना गरम कर दूँ? नहीं, भूख नहीं है। सब ठीक तो है? हाँ। परेशान लग रहे हो? नहीं। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें सब सच सच बता देता हूँ, मेरे मन में कुछ और है। किसी और को चाहते हो? हाँ? नहीं नहीं, वो नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है और ना इस शहर में रहना है, मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली? हाँ, लेखक बनने। फिल्मों में? नहीं नहीं, दिल्ली में कहाँ फिल्में बनती हैं, मैं वहां जाकर ढेर सारे नॉवल लिखूंगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हें भी हंसी आएगी। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। राम राम मक्खन भाई। अरे राम बाबू, बैठो जी। आजा राजा, बैठना। क्या हुआ?
बड़ा परेशान दिख रहा। लगता है बात अभी कुछ बनी नहीं है। नहीं नहीं बन रही है। अरे घोड़ू बन तो चाय भी रही है, पर तू ये बता कि कहानी की बात कुछ बनी कि नहीं। चाचा चाय तो बन गई। अभी ना। वैसे मैंने तुझे कभी बताया नहीं, हमारे एक बहुत दूर के रिश्तेदार है, वो भी लेखक है। अच्छा हाँ। क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं है, हम तो उसे छोटू बुलाया करते थे। उसने मुझे एक बार बोला था कि ये जो कहानी है ना, ये इंसान के अंदर से निकलती है, मतलब उसके आसपास के माहौल में होती है कहानी। इसीलिए मैं कहता हूँ घोड़ू तू ज्यादा सोचे मत ना, आँख खोल के देख, कहानी तुझे मिलेगी अपने आसपास ही कहीं, तेरे अंदर से निकलेगी कहानी, क्या समझा? नमस्कार भाभी, पहचाना? महेश। हाँ आइए आइए। नाम है? अरे महेश, अरे आज तो चमक रहे हो तुम। अरे भाभी से मिलना था ना। अच्छा मिल लिए? हाँ मिल लिए। चाय बनाऊं? चाय रहने दीजिए, थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। तो लाए हो दवाई तुम? हाँ हाँ लाए ना, ये है। हाँ, वो स्टोव मैंने सिम पे कर दिया जी। तो अब अच्छा ये मिठाई हमारी तरफ से। तुम मरवाओगे यार उसके साथ? अरे मरवाओगे, छोड़, चांद का टुकड़ा मिल गया है। हाँ। सुन इसके पैसे मैं तुझसे लूंगा। अरे यार तुम फिर वही कंजूस रहे ना हमेशा। अभी पार्टी मनेगी। हाँ। चल चल बस हो गया। क्या अभी तो झुंझुनी भी नहीं चढ़ी यार? तो घर जाके चढ़ा लेना झुंझुनी, थोड़ा सा दे ना यार। अरे यार तुम्हारी झुंझुनी के चक्कर में मेरा झुंझुना बैठ गया। कुछ नहीं होगा यार। अरे यार तुम अभी है यार। हाँ ये कॉमिक क्यों नहीं लिखते यार तुम? अरे चाचा चौधरी, साबू, इस टाइप की बहुत बिक रही हैं आजकल यार। ये बच्चों की किताबें हैं, सब किस्मत का खेल है यार। अरे जिसकी शादी हो जाती है ना उसकी किस्मत ये टॉप पे पर्वत पे पहुंच जाती है, समझ गए? मतलब ये कि मेरी पहचान का एक पब्लिशर मिला है, चाचा चौधरी टाइप का कुछ लिखवाना चाहता है, तू जाके मिल ले उससे। कहाँ है? पास में ही रहता है, और मेरा नाम बता देना, कहना महेश मत बोलना यार, मेरी इज्जत है, महेश जी बोलना, समझे? जी महेश जी। मटन तैयार है। और फिर राम की शादी हो गई और मैं राम की शादी में जा नहीं पाया था। जी कहिए। महेश जी ने बोला था आपसे बात करने के लिए, तो आप ये पढ़ लीजिए। देखिए मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप बाहर जाकर पता लिखवा दीजिए, मैं आपको बुलवा लूंगा। कब तक आऊँ? आप पता लिखवा दीजिए, मैं आपको अपने आप बुलवा लूंगा। जी कृष्णा जी नमस्ते। अरे नमस्कार जी, चलो जी हो गया आपका। और बताइए कहिए राम बाबू। बस दिल्ली जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ नॉवल छपवाऊंगा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कब जा रहे हैं? जल्दी जाऊंगा बहुत। अरे वाह राम बाबू। भाई दिल्ली जाके ना हमें मत भूल जाना। अरे नहीं 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 हमारा बड़ा बोला दिल्ली में बाल खोलने का। अच्छा अच्छा सुना, वहाँ तो लेडीज भी बाल कटवाती है, कसम से कह रहे हैं लेडीज के बाल काट के तो मजा आ जाएगा। थोड़ा जल्दी कर दो मुझे ऑफिस जाना है। अरे गोली मारी ऑफिस का, आपको पता है मोहल्ले में क्या हो रहा है आजकल? क्या कुछ पता ही नहीं है आपको? क्या? अरे वो पंडित सीताराम का लड़का है ना कैलाश। हाँ अरे उसके साथ फेरों के साथ भाग गए। मतलब? अरे उसकी बीवी भागी पराए मर्द के साथ। भाई सुंदर वीर तो गुनाह है, सुंदर थी उसकी, पूरे मोहल्ले में रहती उस पर, समझे ना आप? दुबे जी जो आपके ब्रांच मैनेजर आए थे ना, उन्होंने भी हमसे कहा कि हमारे पास जो है क्रेडिट की लिमिट नहीं सर। ओ आइए आइए रघुपति राम जी, आइए आइए। दुबे जी। हाँ सर। इनसे मिलिए,
ये है हमारे ऑफिस के प्रेमचंद। आप गुलशन नंदा भी कह सकते हैं इनको। हाँ तो राजा राम जी, ऑफिस में बैठ बैठ कर कितनी कहानियां लिख डाली आपने। जी सर। दुबे जी, पता है मैंने इससे अभी फाइल मंगाई अकाउंट्स की। अच्छा। वो जब मैंने खोल के देखी ना, उसमें पता क्या निकला? क्या सर? पढ़ के सुनाऊं मैं आपको? हाँ हाँ सुनाइए सर। मन की विलोचना, गीता के मन की विलोचना समझना कठिन था परंतु असंभव नहीं। यदि सुरेश एक बार उसकी बुझी आंखों में देख लेता तो जान पाता कि गीता के मन में प्यार का सागर है उसके लिए। और आगे सुनाऊं आपको? सुनाइए सुनाइए। सुनिएगा। सारा दिन उस घाट पर लेटे लेटे गीता उस नीम के पेड़ को निहारती रहती, मानो उसे सुरेश में उसका दर्पण दिखता हो। आखिर सुरेश और वो उसी पेड़ पर लटक लटक कर लंबे हुए थे। वाह वाह वाह। क्या करूं राजा राम मैं तुम्हारा? सर गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। अगर अगली बार गलती हुई ना तो बैंक के मेन दरवाजे पर तुमको खड़ा करके तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारूंगा मैं, समझ गए? पकड़ा। समझा समझा के थक गए इनको, मगर नहीं सर, बड़ी मेहनत से लिखा, ऐसे बेइज्जती तो मत कीजिए। मेहनत से लिखिए? तो उसी मेहनत से कमाते क्यों नहीं हो? यहां बैंक में क्यों कर रहे हो काम? और अपनी बेइज्जती का इतना ही तुम्हें शर्म है, लिहाज है तो मन लगाकर काम किया करो। जाओ यहां से, घोर क्या रहा है, जाओ यहां से। बेइज्जती मत करो, आए पड़े 30 मार खां। देखा आपने दुबे जी? बताइए। समझा रहा हूं, आंखें दिखा रहा है, ये है आज की दुनिया। नेगी ये सर को दे दो। जी। और आप सुनाइए। सब जी आपके लिए राजाराम जी ने दिया है। क्या इतनी जल्दी है? कहाँ है वो? वो तो चले गए। कहाँ चला गया हरामी? नामकुल कहीं का बेशर्म नंगे आदमी तो बुला रहे। सुनो अंदर चलो ना। हाँ सुन, दिमाग खराब हो गया तेरा है? नौकरी छोड़कर आ गया, कोई काम सोच समझ के नहीं कर सकता तू? कितने दिनों से सोच रहा था, तू तो जानता है। अरे तो ऐसी नौकरी छोड़कर आ गया तू? अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो, सही तो किया इन्होंने। बात परेशानी की नहीं है भाभी, अब करेगा क्या? मैं काम करूंगी, मैं घर चलाऊंगी, कढ़ाई बुनाई के कपड़े बहुत बिकते हैं यहाँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही मैं कुछ कर लूंगा। क्या करेगा, राइटिंग? ये तो अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है भाभी, राइटिंग में इसके पैसे देगा कौन? वो तेरी पहचान वाला है ना, उसने बोला था, उसने बुलाया। अच्छा हाँ, कब बुलाया? कल। किससे मिलना? मैं राजा राम वैष्णव, वो शिवशंकर जी से मिलना था। बैठो इधर। तो क्या लिखते हैं आप? किससे, कहानी, उपन्यास? मैं आपके पास छोड़ के गया था भाई, बिजी होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, और वैसे भी हम तो बस ये कुंजियां और गाइड ही छापते हैं। आप तो पढ़े लिखे दिखते हो, मैं कहता हूं ये सब छोड़ो, अरे कॉम्पिटिशन्स के लिए टेस्ट पेपर वगैरह लिखा करो। महेश जी ने बताया था कि आप चाचा चौधरी जैसा कुछ छाप रहे हैं। हाँ हाँ, चाचा चौधरी जी, इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज चलाए, चाचा चौधरी गाइड। जी नहीं, मैं ये सब नहीं लिखता हूं। कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। वैसे हमारा ऑफर खुला है आपके लिए। शुक्रिया। शुक्रिया। Thank you.
गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देख के जाएंगे। अरे कृष्णा बड़ा कुछ है, क्या हुआ, बाप तो नहीं बन गया? अरे अभी तो शादी अभी तो बना रहे हो आप, मिठाई खाओ बस आप। अरे हुआ क्या? अरे गिरधारी जी मिठाई खाओ, मुंह मीठा करो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। अरे बहुत खुश हुआ। अरे कृष्णा ये तो बता हुआ क्या, बड़ा खुश नजर आ रहा है। आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद तो दिया, पर ये तो बता कि हुआ क्या। अरे पहले मिठाई लो, मीठा खाओ। अरे क्या हुआ कृष्णा जी, हमें मिठाई खिलाओ ना, बताओ ना क्या हुआ, क्या हुआ। राम बाबू तुम तो चुप रहो। अरे इनके वैसे कुछ भी नहीं है, इन्होंने धोखा दे दिया हमें, अपना दिल्ली हम खुद ही जा रहे हैं। मतलब? अरे पुरानी दिल्ली में हमने दुकान ली है लाल किले के बगल में, झंडा तो वहीं फहराएंगे। कृष्णा हेयर सैलून, ओए ओए लेडीज के बाल भी काटेंगे। कच 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 गंजा मत कर दियो। भाई साहब ये पुरोहित पब्लिकेशन कहाँ पड़ेगा? हम ही हैं पुरोहित, बोलिए। तो आप भी कुंजी और गाइड छापते हैं? पहले हम भी स्टडी मटेरियल ही छापते थे, लेकिन जब से ये नॉवल वगैरह डिमांड में आया तो हमने भी छापना शुरू कर दिया। तो इससे पहले भी आपने नॉवल छापे हैं? लेखक साहब लगता है आप सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते बिल्कुल नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे दो नॉवल बच्चन की फिल्म से भी ज्यादा हिट रहे हैं। पहला माँ के हत्यारे और दूसरा कुत्ते का बाल। कुत्ते का बाल आपने पढ़ा नहीं? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, असली साहित्यिक रचनाएं हैं। राइटर ने क्या लिखा है महाकसम, जान डाल दिया उसमें। पढ़िए तब आपको पता लगेगा कि नॉवल हिट क्यों हुआ था, इसीलिए अब तीसरा भी छाप रहे हैं। उसका क्या टाइटल है? उसका टाइटल है आ तुझे काट खाऊं। कैसा है? अच्छा है। और इसे लिख कौन रहा है? लेखक इसका कुत्ते का बाल जब से हिट हुआ तो निकल लिया बॉम्बे को, कह रहा फिल्म लिखूंगा। मैंने कहा धक्के खाएगा, सुनने में आया कि धक्का खा रहा बॉम्बे में, साला आएगा, गलत आदमी को चांस दे दिया था। चलो हम अपने साले साहब से मिलवाते हैं। वाजी सर कितना टाइम लगेगा? आओ। क्या बैठे बैठे कुर्सी गर्म हो गई है मेरी, जल्दी किताब लेके आ। यहाँ हर राइटर सलीम जावेद बनना चाहता है। अरे वो कुकरेती, मेरे जाते ही तू राशि फल देखने लगता है, मेरी राशि क्यों खराब कर रहा है? काम कर ले, काम कर ले। अरे यू वापस आ गई, बड़ा मुस्कुरा रहा तू। आशीर्वाद। ठीक है ठीक है, यह बात थी हमारे साले साहब, ये नॉवल छापने का आइडिया इन्हीं का था, बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। हेलो, मायसेल्फ भारती, ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज, 1975 बैच, फर्स्ट सीजन, ओनली बिकॉज ऑफ माई जीजाजी। आई हैव एन एल्डर सिस्टर ऑल्सो, शी इज मैरिड विद माई जीजाजी एंड माय फादर। राशन कार्ड दिखा देते इनको, घर से लाके राशन कार्ड दिखा देते। क्या नाम बताया आपने अपना? राजाराम वैष्णव उर्फ हंस। हंस जी मैंने आपसे बताया था ना कि ऑफिस का सारा काम यही देखते हैं, कौन सी किताब छपनी चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, कहानी क्या होनी चाहिए, क्या चीज छपनी है क्या चीज नहीं छपनी है, सब यही देखते हैं। तो इनको अपनी कहानी सुनाओ, अगर जच गई तो छाप देंगे। आप एक काम कीजिए, अपना नॉवल छोड़ जाइए और अगले हफ्ते आ जाइएगा इसी टाइम। घड़ी ठीक कराई, कितने दिनों से बोला मैंने, फोन अभी भी डेड है और यहाँ बैठ करके बातें बोल रहा अंग्रेजी बता रहा अपने बारे में, दिमाग खराब कर रखा। व्हाट व्हाट इज योर प्रॉब्लम, डोंट यू अंडरस्टैंड, डोंट यू हैव मैनर्स? टू एल्डर पीपल आर सिटिंग एंड टॉकिंग एंड यू आर स्टिल सिटिंग विदाउट एनी सब्जेक्ट, डोंट यू हैव वर्क? वी हैव वर्क, सो गो प्लीज। नाउ व्हाट? कहानी। ओके जस्ट पुट इट हियर एंड गो। लेटर टाइप हो गया? हाँ जी। कितना और टाइम लगाएगा, अखबार लिख रहा है क्या? बस हो गया जी। करो जल्दी, गो। कब तक आऊं? नेक्स्ट वीक। किताबों का हिसाब बना के मेरी टेबल पे भिजवा दो, ठीक है? सिर्फ
कहिए। वो आपको किताब दी थी पढ़ने के लिए। कौन सी किताब? वो पिछले हफ्ते आया था मैं। ओ यस यस यार, वो बात नहीं बनी। कुछ कमी रह गई? कमी नहीं यार, कुछ था ही नहीं उसमें। मतलब आपकी स्टोरी में ना सर था ना पाप। आजकल की फिल्में देखते हैं, डायलॉग सुनते हैं, कुछ एंग्री यंग मैन टाइप होना चाहिए, समझे आप? पर मेरी कहानी में तो लड़की थी, तो एंग्री यंग मैन कहां से डालूं? तो कुछ मसाला डाल दो उसमें। मसाला मतलब? मसाला भी मैं ही बताऊंगा, तो मैं ही राइटर नहीं बन जाऊंगा। चाहिए कुछ मसालेदार लिख के लाइए। ये मसाला क्या होता है? अरे भाई, असम की चाय की पत्तियों के साथ कुछ जड़ी बूटी वगैरह, लौंग, इलायची, अदरक, गरम रखता है। गरम? अरे भाई, शरीर को गरम रखता है। आप चाय पीजिए ना। यही देखते थे। क्या हुआ यार? इसमें मसाला डालो यार मेरे भाई, डालो मसाला। नमस्कार। ये मसाला है? मसाला है ये? मसाला तुम्हारी जिंदगी में मसाला है? मैं तो बस बेमसाले जिंदगी जी रहा हूँ। ये मसाला लेके जा सकते हैं? हाँ जाओ। आज चले क्या खाना खाने? तो चलो, घर पे भाभी ने घिया बनाया। अच्छा, आओ आ जाओ। और तो और, तुम आज हमारे घर पे ही रुक जाना। हाँ हाँ, वैसे ही रुकेंगे जैसे पहले रुकते थे, खाते थे खाना अपन लोग, है ना? अच्छा, कुछ थोड़ा सा वो ले लें कुछ पीने के लिए। नहीं तुम, अरे घर पे मत रुको। हाँ हाँ, घर पे नहीं रुकेंगे, खा लेंगे, खा के निकल जाएंगे, है ना? नहीं तुम खाना भी जो है बस स्टैंड पे खा लो। हमें काम करने के लिए शांति और एकाग्रता की जरूरत है। तू है दोस्ती पे तुम्हारी, समझे? हाँ, अब मैं उस गली नहीं जाऊंगा जिस गली से तुम जाओगे। मैं चला अपनी गली। मैं इस गली से नहीं जाऊंगा। तुम इस गली से नहीं जाओगे? नहीं। तो मैं जाऊंगा इस गली से। जाओ, ये ले जाओ। क्यों बरखुरदार, कैसी लगी पड़ोसन मसालेदार? अरे इसमें शर्माए क्यों रहा? भाई इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, यही तो है असली मसाला जिंदगी का। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है।
शैला, हां यही नाम था उस ट्यूशन टीचर का। मैं जब भी उसे देखता मेरी कामनाओं के सैकड़ों नाथ फन फैलाए खड़े हो जाते। और क्यों ना शैला का कोरे कागज की भांति श्वेत बदन आमंत्रित भी तो करता था कि कोई अपनी कलम से उस पर कामुक कविता लिख दे, जबकि उसका खुद का पति शायद अब तक दस्तखत भी नहीं कर पाया था। आज सही मौका मिल गया था मुझे। एक तो उसका पति घर पे नहीं था और ऊपर से शैला के कमरे की खिड़की का खुला पर्दा मुझे आमंत्रित कर रहा था। मैं उस खुली खिड़की से अभी अभी नहाकर आई शैला के एक एक अंग का बड़ी बारीकी से निरीक्षण कर रहा था कि अचानक उसकी आवाज ने मुझे बुरी तरह से चौंका दिया। क्या चाहिए राजा राव? किताब तो अंदर आके ले ले। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। अब मुझे शैला के बदन की लिखावट का एक एक हर्फ पढ़ने का बड़े करीब से मौका मिल गया था। क्या हुआ? मैं किताब की ओर से कत्थई ब्लाउज में लिपटे शैला के उतार चढ़ाव देख ही रहा था कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली। राजा राव सरा ये हुक तो बंद कर दे। मैं किसी कुशल पर्वतारोही की भांति पहाड़ों की सैर पर निकल पड़ा था और शैला इस यात्रा में मेरा भरपूर साथ दे रही थी। शैला को छूते ही मेरी कामनाओं के नाद फुंकारने लगे थे। उसने मुझे बाहों में लेकर आग में घी डालने का काम कर दिया था। फिर क्या था, कूद पड़ा मैं उस खाई में। मैं और शैला पूरी तरह से भीग चुके थे और इस तरह से बरसी मुझ पे यौवन की पहली बरसात। पकड़ो यार, हम अभी आते हैं। भारती जी, आपने बोला था ना मसाला डालने के लिए, मैंने पूरा डब्बा डाल दिया। यहां मत पढ़ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। राम जी, ये क्या लिखा है आपने? मसाला। मसाला तो ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां ये सब नहीं चलता। क्योंकि लोग छापते नहीं है, खरीदने वाले तो भरे पड़े हैं। कौन खरीदेगा? हर वो आदमी जिसके अंदर फीलिंग्स है, हैप्पी, सैड, एंग्री। क्यों भारती जी? हाँ? है ना मसालेदार। मतलब छाप तो दें लेकिन पब्लिकेशन का नाम खराब होगा। तो मत डालिए नाम, किसी का भी नाम मत डालिए। जी, एक काम करते हैं,
300 का ऊपर चप्पल देते हैं, क्वालिटी भी लो है, मार्केट में उतारते हैं, देखते हैं पब्लिक क्या रिस्पॉन्स देती है। छापे मगर पैसे की बात अभी मत करना। तो मेरी किताब छपेगी? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। वो हमारी बीए सेकंड ईयर की कॉपी आई? हाँ लीजिए ना, एक और किताब है। लोगे? कौन सी? अरे खास है, ये देखो, नई आई है, पढ़कर देखो। एकदम नई है? अरे नई है, बहुत बढ़िया है। राम जी, क्या लिखा है? मां कसम दिल से कह रहा हूँ, कमाल। मार्केट में डिमांड ही डिमांड है। नाम है राजा राम, पर तो मस्तराम है। राजा राम जी, आप ऐसे ही तड़ातड़ लिखते जाइए और हम धड़ाधड़ छापते जाते हैं। मार्केट में धनिया बोना धनिया, क्या बात थी? जी 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 जी, लेकिन किताब का ना कुछ अच्छा सा कुछ नाम सोचा। नाम कुछ? मतलब ऐसा कुछ नाम जो मार्केट में ना एकदम से कुछ भड़कम सा कुछ मचा दे, लोगों की जबान पे एकदम छा जाए, ऐसा कुछ। तो नाम अभी बोला ना आपने। मैंने क्या बोला? मस्त राम। सबकी जुबान पे एक ही नाम, मस्त राम। रेनू, अरे क्या कर रही हो तुम? काम छोड़ो, ये लो जलेबी खाओ। जलेबी खाओ ना। खाओ। तुम्हें पता है आज मुझे पहली बार मेरे लिखने की वजह से पैसे मिले। पहली बार मुझे किसी ने पैसे दिए क्योंकि उसे मेरी लिखी हुई कहानी पसंद आई। किसे? प्रोहित जी ने। प्रोहित जी बोल रहे हैं कि वो मेरी कहानी छापेंगे। कौन सी कहानी? अरे वो छोड़ो तुम, ये लो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूं। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? घर के खर्चे के लिए पैसे चाहिए हमें, और वैसे भी मैं पहनूंगी कब? घर पे ही रहती हूँ मैं। प्रोहित जी ने मेरी कहानी छापी है ना, मैं और कहानियां लिखूंगा, वो और छापेंगे, फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर मैं तुम्हें घुमाने भी लेके जाऊंगा। कहाँ? वशिष्ठ, मणिकरण और हडिम्बा मंदिर। कांतिलाल जी नमस्ते। अरे नमस्ते राजा राम जी, कहिए कैसे आना हुआ? वो एक किलो गुड़ दे दीजिए। अभी लो, एक किलो गुड़ और कुछ? बस। कांतिलाल जी। हाँ जी कहिए। एक पैकेट नमक की थैली दे दो। अब पैकेट तो नहीं है, खुला चलेगा? ये लीजिए पैसे। रख दो जी। ये लो जी। रुकिए। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपको मुफ्त में। शुक्रिया। कांतिलाल कामुकता के बगीचे का एक ऐसा वृक्ष था जिसकी सुडोल शाखाएं किसी नव युवती को देखते ही कामुकता का रस टपकाने लगती थी। अरे राजा राम जी, गुड़। वो अक्सर उस बनिए की दुकान से नमक लेने आया करती थी
जबकि बनिया उसके नमकीन यौवन से नमक की दो डलियां चुराने की फिराक में रहता था। गुड़िया ने यूं तो जवानी के सोलहवें वसंत में अभी कदम रखा ही था, लेकिन उसका सुरीला बदन किसी ऐसे मध्यम राग की तरह था जिसके दो सुर अनायास ही ऊंचे उठ गए हों। कांतिलाल जी। हाँ जी। एक पैकेट नमक दे दीजिए। पैकेट नहीं है, खुला है, दूं? ये लीजिए पैसे। धीरे धीरे गुड़िया को मुफ्त के लॉलीपॉप की आदत सी हो गई थी। क्या बात है कांतिलाल जी, आज मुझे लॉलीपॉप नहीं दोगे? अरे मैंने कब मना किया है, ऊपर रखा है, चलो आओ देता हूँ। वो बनिया जो अपने लॉलीपॉप का धन गुड़िया के यौवन बैंक में बरसों से संचित कर रहा था, आज वो धन किसी बीमा पॉलिसी की तरह मैच्योर हो चुका था। और बनिया इस मैच्योर पॉलिसी का पूरा फायदा उठाने में कामयाब हो चुका था। अब वो हर रोज गुड़िया के यौवन रूपी बैंक से परम आनंद की पेंशन का भरपूर लाभ उठा रहा था। राजा राम जी आप भी कमाल हो। अरे लाते कहां से माल मसाला, बनिया का लॉलीपॉप है। कहानियों तो आसपास से ही निकलती हैं। रोहित जी मेरी आपसे एक विनती थी। विनती मत करो, बोलो काम क्या है। मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे एक दो अच्छे वाले नॉवल भी छपवा देते तो। अब राजा राम जी अच्छे होते तो हम जरूर छपवा देते। खास तौर पर आपके लिए मंगवाया दिल्ली से पैसे खर्च करके। अब तो बस उंगलियां चाहिए और लिखते जाइए, और कुछ अच्छा लिख के लाइए, हम जरूर छाप देंगे। हाँ बस उंगली चलाइए, टिप टिप टिप, और कहानी तैयार। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, कैसे हैं? वो मस्तराम का नया एडिशन आया क्या? अरे अभी नहीं आया, आने वाला है। हाँ आएगा तो पक्का बताइएगा, तुम्हें ही पहले प्रति दूंगा। चलता हूँ। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। एक मस्तराम दे। मस्तराम। क्या है ये सब चाचा? अरे नई किताब, वाह बेटा तुम भी पढ़ते हो हा? ये सब बकवास मैं नहीं पढ़ता चाचा। अरे नहीं पढ़ते तो बरखुरदार पढ़ा करो, अगर जिंदगी का लुत्फ उठाना है तो पढ़ो इसे। अरे चाचा मैं आपको बतलाए दे रहा हूँ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। अरे हमारा देश कहाँ जा रहा है? तरक्की कर रहा है बरखुरदार, दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? मैं बतलाए दे रहा हूँ चाचा, इस सब के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तुम एक काम करो, एक बार तेरे ढंग से इस किताब को पढ़ लो, और भी बहुत कुछ उड़ जाएगा, क्या समझे? आप तो समझदारी की बात कीजिए, आपको क्या हो गया इस उम्र में? इसकी भी कोई उम्र होती है क्या? सच कह रहा हूँ, एक बार जरा ढंग से बैठ के पढ़ के देख। आराम से बस, आराम से। अच्छा शुक्रिया, अगर कुछ खराब हो गया ना मैं तुम्हें पकड़ूंगा। हाँ पहले बता रहा हूँ, मैं पूरे पैसे दिए। ठीक है सर। महेश, ओ महेश। हाँ आजा। अरे आ रहा हूँ यार, घोड़े पे चढ़ के आया क्या? नहीं धक्का लगा के। स्कूटर? हाँ। किससे लिया बे? अरे नया खरीदा है। खरीदा है? हाँ। कितने में? अरे 2000 में नकद दिए। मुझे ले चलता, मैं 1000 में दिलवा देता। अरे यार तूने कर दी ना फिर वही बात। अच्छा पता क्यों आया मेरे पास? अरे चलाना सिखा दे यार। बेटा आया ना मैं काम में। अभी आ जा जल्दी आ जा। बाबा गड्डी क्यों रोकती? चल पहले चाय पियेंगे। हाँ तो क्या लेंगे आज आप खाने में? मटन बनाओ। अरे अभी मैं बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए बढ़िया मस्त है? आपकी किताब छपेगी, मैंने भगवान से मन्नत भी मांगी थी। आप जो मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे ना, उसको धोने पे सारा रंग निकल गया।
जब मैं स्कूटर चला रहा था ना, मुझसे बात मत किया करो, समझ रही हो तुम? ठीक है, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, सब आपकी किताब देखना चाहते हैं, एक घर पर रख दो ना। हाँ देता हूँ ना, दिल्ली से मंगवा के। चले, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। और मक्खन भाई, क्या बात है राम बाबू, नया स्कूटर? हाँ क्या बात है, आइए। आओ आओ राजा राम, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया है। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। अरे हम तो पहले से ही जानते थे, कुछ तो बात है हमारे राम बाबू में। मैंने कहा नहीं था क्या? लेकिन ये तो बताओ कि तुमने जो किताब लिखी है वो है किसके बारे में? वो एक लड़की के बारे में। लड़की के बारे में? तो भाई हमें भी पढ़वाओ कि ऐसा क्या लिख डाला तुमने कि तुम्हारे तो ठाठी बदल गए। वो यहाँ बिक नहीं रही है, वो दिल्ली में बिक रही है। दिल्ली में? अच्छा, अरे तो क्या हुआ, दिल्ली कौन सी दूर है, मंगवा लो वहाँ से। अरे क्या चाचा, तुम भी, इन्होंने लिखी है, सुना देंगे क्यों। बेड में चलाता हूँ। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, इसकी बीवी भाग गई दिल्ली में बड़े मर्द के साथ। बीवी की बेवफाई पे कुछ लगो। वो भारती जी, दरअसल ना सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि नॉवल दिखाओ नॉवल दिखाओ। मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैं मस्तराम लिखता हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप एक दो नॉवल छपा देते तो। मुश्किल है राजा राम जी, छपाते हैं, मैं जीजा जी से बात करता हूँ। शुक्रिया। अरे हमारे बाई हाथ का, आप जाइए खुशी खुशी अपने घर। तो मुझे एक बात बताओ, मतलब ये राम बाबू ऐसा लिखते क्या है जो इतनी तरक्की कर रहे हैं? स्कूटर ले लिया, घर रंगवा दिया, पता है रेनू के लिए हर महीने नई साड़ी लाते हैं। राइटर है, राइटर ऐसे ही कमाते हैं। अच्छा तो तुम क्यों नहीं बन गए राइटर? दुकान खोल ली। भाई साहब, ये राजा राम वैष्णव की मन की विलोचना। हाँ ये लीजिए। कितने हुए? एक रुपए। ये कितनी बिके अभी तक? भाई साहब आप पहले बंदे हैं जो ये किताब ले रहे हैं, ये पहली किताब जा रही है। लो तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। अरे क्या कर रही हो? पहली बार घर लाए हैं किताब, हाथ दो, दो ना। पता नहीं तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं। अच्छा, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। आपने कभी पढ़ा है उसका नावल, देखा भी है कभी? देख, किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए तो अपने दिमाग में ज्यादा विचार मत लाया कर, सोच मत ज्यादा। अगर जिंदगी में मस्त रहना है तो ये पढ़ मस्त राम। ये क्या पढ़ते हो चचा? इतिहास। ये इतिहास कहाँ है? ये तो हाँ, पर मेरे लिए तो इतिहास ही है। और बताओ नौकरी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हाँ बॉस पूछ रहा था तुझे। अच्छा नॉवल पढ़ा उसने तेरा? अच्छा कह रहा था और कितने निकले हैं ऐसे नॉवल घटिया टाइप के नौकरी छोड़ के। अरे वो तो उल्लू का पट्टा है। वो तो है उल्लू का पट्टा। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? अच्छा था यार, मुझे तो बस ठीक ठाक ही लगा। ठीक ठाक मतलब? वो तुम शुरू और सब समझ ना दे सब। यार एक्चुअली में मुझे ना सर से निकली ये बात, मतलब पूरा नॉवेल जो है समझ में नहीं आया। तुम मजाक कर रहे? मजाक नहीं यार, मैं सही कह रहा हूँ। कसम खाओ। क्या कसम खाऊं यार। चलो खैर छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, मजाक लग रहा है तुम्हें? पता है कितनी मेहनत लगी है मेरी? हाँ हाँ मेहनत है यार तुम्हारी, छोड़ो बात। अरे मेहनत है तुम्हारी मतलब क्या, छोड़ कैसे दे? औकात क्या तुम्हारी ऐसा बोलने की मुझे? अरे औकात की क्या बात है यार? औकात की तो बात है,
छोटे लोग हो तुम, हमेशा छोटे ही रहोगे तुम। चलो अपन शराब पीते हैं, छोड़ो वो बात नोवल हो गई। नहीं पीनी मुझे तुम्हारे साथ ही शराब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। नमस्ते सर। किस बात की मिठाई बांट रहे हो भाई? सर मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे बाप लीजिए ना। अरे खालू खालू खालू, मुबारक मुबारक मुबारक। बेसन की बर्फी है, ये सब मैं बांट देना है? मैं जाता हूँ। ये लो जी। बड़ी तरक्की कर ली है तुम्हारे दोस्त ने। जी तुम नहीं खा रहे हो मिठाई? सर अब वो मेरा दोस्त नहीं है सर, बड़ा आदमी हो गया है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर लिया उसने? उपन्यास तो हमने भी पढ़ा, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं पाया सर। अब उपन्यास पढ़ोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। मेरी तरफ से नहीं सर, वो उसने दिया नहीं तो। ले लीजिए ना, खाइए ना। अब रहने दीजिए सर। अरे लीजिए ना। जी सफेद स्कर्ट से बाहर झांकती नर्स की दूध से भी ज्यादा उजली टांगें जब धीरे धीरे सीढ़ियों पर पड़ रही थीं, तो ऐसा लग रहा था कोई अप्सरा मुझे स्वर्गलोक के दर्शन कराने के लिए आ रही हो। बदन में रत्ती भर भी कहीं ज्यादा मांस नहीं था, लेकिन जहां होना चाहिए था वहां भरपूर था। उसके बदन की चिकनाहट देखकर लगता था जैसे कारीगर ने यौवन की इस मूर्ति पर बड़ी तबीयत से रद्दा फेरा हो। रामपुरिया चक्कू से भी ज्यादा पैनी आंखों ने अस्पताल के हर एक मरीज को कोमा में पहुंचा दिया था, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। उन्हें टीबी या मलेरिया नहीं बल्कि कामेरिया हुआ था, जो सिर्फ नर्स के एक इंजेक्शन से ही ठीक हो सकता था। उस कातिल नर्स ने मुझे भी छल्ली कर कामेरिया वार्ड में भर्ती करने के लिए उठाया तो मैं चूं भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो नर्स मुझे इंजेक्शन के साथ साथ प्यार की दो टैबलेट देकर हमेशा के लिए कामेरिया की लत लगा देगी। ओ, इस तरह से हुई नर्स की अस्पताल में पहली सुहागरात। मखन भाई, मखन भाई। अरे राजाराम बाबू, कैसे हैं? चार अंडे। अंडे मखन भाई, चचा नहीं दिखाई दे रहे बड़े दिनों से। अरे वो कृष्णा को साथ लेके तीर्थ यात्रा पर गए हैं। क्यों? अरे कृष्णा की बीवी भाग गई थी ना। हाँ। बस उसने संन्यास ले लिया, इसलिए चाचा उसे लेकर गए हैं। ये ले जी। हाँ। बस अब तो खाली खाली सा हो गया, मजा ही नहीं आता। बस वो बस अब तो हम इसी से ही मन लगा के रखते। अरे आप कहाँ पढ़ते होंगे ये घटिया चीजें। नहीं नहीं मैं पढ़ता हूँ कभी कभी। आप पढ़ती हैं? हाँ। बस शक्ल से ही शरीर दिखते हैं। नहीं नहीं मखन भाई,
ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, आज तो ये सब लोग छुपके करते हैं, एक दिन आएगा सब खुले में होगा, देख लेना। अब ये लीजिए, आप बैठिए। अच्छा राजाराम बाबू, हाँ आप किसी को इसके बारे में बताइएगा नहीं? मैं भाभी को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। अरे राजा बेशरम, सूरज इधर आ वापस, नालायक बेशरम, इसलिए तुझे स्कूल भेजते हैं हम। इधर आ, तेरी टांगे तोड़ती हूं। भाभी क्या हो गया, क्यों डांट रही हो बच्चे को? तू आ वापस, तेरी टांगे तोड़ती हूं मैं आज। अरे भाभी क्यों मारोगी बच्चे को? बच्चा नहीं है ये, सिर्फ दिखता मासूम है। क्यों, ऐसा क्या किया इसने? क्या चोरी की उसने? नहीं, पढ़ाई नहीं करता? पढ़ता है राजा राम जी, अभी बाथरूम में पकड़ा मैंने इसे, अश्लील किताब पढ़ रहा था। ओ, ये तो बुरी बात है। बहुत बुरी बात। राजा राम जी आप कुछ करो ना। मैं? हाँ आप सुधारो मेरे बच्चे को। हाँ मैं समझाता हूँ उसे। दोपहर को तो आप खाली होते हो, उसको ट्यूशन पढ़ा दो ना आप। हाँ मैं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ आप करो राजा राम जी, बहुत मेहरबानी होगी। सुधार दो मेरे बच्चे को बस। और राजा राम जी ये सब ना सूरज के पापा को मत बताना, उनको ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको पता चलेगा ना तो इसकी टांगे तोड़ देंगे वो। हाँ वो तो देखना, सीढ़ी पड़ेंगे इस मसराम को। बताओ ना कहाँ जा रहे हैं हम? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। हडिम्बा? नहीं वो तो पीछे रह गया ना, वो वापस आते हुए चलेंगे। सुनो तुम यहाँ रुको, मैं दो मिनट में आता हूँ। ठीक है भाई साहब। हाँ वो वाली किताब है? हाँ वो वाली किताब जिसमें वो वाली कहानियां होती हैं। शर्मा क्यों रहे हो, खुल के बोलो, मस्त कलंदर चाहिए। मस्त कलंदर? नहीं नहीं मस्त राम। बुझावा तंदूर है मस्त राम, ये पढ़ो मस्त कलंदर, बढ़िया है। ये कौन सी किताब है, पहले कभी पढ़ी नहीं? नहीं आई है, एक एक पन्ना तंदूरी है। क्या खरीद रहे हो तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना, जाओ जाओ मैं आ रहा हूं, जाओ। तंदूरी दे दूं? सुनो हाँ? उसके ऊपर बैठ के ना अपनी खुद सेक लो। अबे तेरे तो साले चूतिये। ये क्या है? क्या है मतलब? पैसे? वो तो मुझे पता है लेकिन ये तो कम है ना भाई, जितना बनता उतना दे रहे हैं। मतलब? राजा राम जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मस्त राम आजकल मार्केट में नहीं चलती है, वो टाइम गया जब आपकी धूम थी, अब ऐसी और किताबें दस आ गई हैं, ऊपर से डबल एक्स मैगजीन फोटो वाली। और असल बात तो है कि आपकी कहानियों में अब कोई दम नहीं रहा, किसी पीटी कहानी कोई नहीं पढ़ता। रहने दीजिए, मैंने भी वो किताबें पढ़ी हैं, सेक्स डाल देने से ना कोई कहानी नहीं बन जाती है, और डबल एक्स मैगजीन वो मोटी मोटी औरतों की तस्वीरें होती है उसमें, उसे देख के कोई फीलिंग नहीं होती है। हम फीलिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं, धंधा कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, मुझे आपके साथ धंधा करना ही है। तो मत करो। हाँ तो मैं दिल्ली जाऊंगा अपना नावल छापा। तुम्हारा नावल छाप करके तो घाटा हुआ सारा। मेरा नावल छाप के आपको घाटा हुआ है? हाँ। हाँ तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए आपको कितना घाटा हुआ है, मैं पैसे दे देता हूँ। हाँ तुम्हारे पैसे वाले बन रहे हो? हाँ मैं पैसे वाला हूँ। गिड़गिड़ाते फिरते थे, दो नावल छाप दो, तीन नावल छाप दो, आज पैसे आ गए, मेरे को पैसे दिखाओगे? ये पकड़िए अपने पैसे। राजा राम मेरा नावल छाप दो, रिश्तेदार में बदनामी हो रही है, बीवी को नावल चाहिए। गिड़गिड़ाते थे समझे, साहित्य के बारे में क्या पता होता है? अपने को। क्या बोल रहा, काम कर रहे। पहले कुछ लिखा है? हाँ जी। क्या? मन की विलोचना नाम से एक उपन्यास है। मन की विलोचना हमने तो पढ़ा नहीं, कुछ और? उसके अलावा मस्तराम। मस्तराम वो अश्लील किताब तुमने लिखी है? मैंने उसके अलावा और भी नॉवल लिखे हैं। अच्छा कौन कौन सी? जैसे कि जागते रहो और एक मैं और बहुत सारे हैं। छोड़ो छोड़ो
राजाराम हमारे लिए भी मस्तराम ही लिखो। सर मैं नॉवल छपाना चाहता हूँ, मस्तराम नहीं। तो फिर मन की विलोचना ही लिखो, दरवाजा उधर है। क्या हुआ? स्कूटर नहीं है? वो ठीक करने के लिए दिया, एक दो दिन में मिलेगा। आप परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? तुम जाओ, मैं आता हूं। कुछ तो बात है। कोई बात नहीं है। बताओ ना। अरे एक बार बोल दिया ना तुम्हें, जाओ ना। भाभी आप? जी नमस्ते। नमस्ते, आइए अंदर आइए। मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा तो चाय तो पी लीजिए, आइए। नहीं ठीक है, बोलिए। आजकल वो बहुत परेशान रहते, कब घर आते चले जाते कुछ पता ही नहीं चलता। आप क्यों नहीं बात करते उनसे, आप तो दोस्त हैं उनके। अरे अब भाभी वो बड़ा आदमी हो गया है, मैं तो बहुत दिन से उससे मिला ही नहीं। सब कहते हैं कि अगर किताब छप रही है तो वो कहाँ है। मतलब क्या मतलब, समझ नहीं पाया। मुझे खुद समझ में नहीं आता, कहीं कुछ गलत। एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ उससे। वैसे वो बहुत दिनों से मिला नहीं मुझसे। खैर मैं आता हूँ भाभी, अभी पता नहीं जाने क्या हो गया। अरे ले 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 ले, मेरी रानी बेटी, क्या हो गया? हाँ रो रही है। हाँ पता नहीं क्या हो गया इसे, भूख लगी होगी इसे। आती हूँ। सुनो ये क्या? वो सूरज के पुराने कपड़े, कविता के लिए। क्यों जरूरत होगी ना। आती हूँ। हाँ बात थी जीजा जी, वो सारे के सारे नए राइटर ना सब गधे के बच्चे निकले, स्कूल कॉलेज वैसे बंद रखे हैं। सब सालों को मस्तराम ही चाहिए, आप मस्तराम कहां से लेके आओ? जीजा जी अगर एक बात बोलूं तो डांटोगे तो नहीं? बेटा मैं तुझे प्यार से ही डांटता हूं। बोल। जीजा जी वो मस्तराम वाला किस्सा ना दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। भाती तुम्हें लगता है कि वो अब हमारे लिए लिखेगा? लिखेगा? अरे बाहर आके बैठा है, दो घंटे से बाहर बिठा के रखा है मैंने। अरे तो पहले बताना चाहिए था। चलो चलो चलो। राजा राम जी आप यहां बैठे। भाती अब मैं तुम्हें डांटूंगा तो तुम कहोगे कि दूसरे के सामने मैं डांटता हूं। इतने बड़े राइटर को बाहर बिठा रखा तुमने, अंदर रहना चाहिए था। राजा राम जी गले मिलो, देखो पुरानी बातों को भूल जाओ और
नई शुरुआत करते हैं। अपने अंदर के राइटर को जगाओ, बोलो कि भैया बड़ा सो लिया, अब कुछ काम करते हैं मिलके। हाँ राजा राम जी, फिर से लिख डालो कुछ मसालेदार। पैसे? पैसे आप बताइए कितने चाहिए? तेरी दीदी दहेज में लाई थी। पैसे तो जी उतने ही मिलेंगे जितने पहले मिलते थे। आपने कुछ कहा नहीं। बारिश बहुत तेज हो रही है ना। चल चलते हैं कुछ, एक एक पैक आ जाए। नहीं यार, तू जा, मैं आता हूँ। चलना यार, मैं आता हूँ कुछ काम। अभी खाने में क्या क्या बनाया है? मटन बनाया है, पर अभी रोटी बनानी बाकी है। तो रोटी मैं सेक देता हूँ। चल। महेश ने जिस अंदाज से रेनू को छुआ था, मुझे एहसास हो गया था कि कामनाओं की बारिश से वो भी पीड़ित था। कैसा बन रहा है भाभी? चखना पड़ेगा। हाँ चखो चखो। मस्त। एक मिनट, हम चखले। जैसे ही उसने यौवन रस को चखा, उसकी प्यास और ज्यादा भड़क गई। आटा गूंदना पड़ेगा। हाँ हाँ बनाओ बनाओ। जिसे वो गूंदने को आतुर हो रहा था। ऐसे नहीं। रेनू उसके इरादे भाप गई थी, लेकिन वो अपनी कामना पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी इस डर से क्या आटा है? कि कहीं कोई आ ना जाए। इसे खोल लो बस, और कुछ नहीं। लेकिन महेश के हाथ बेकाबू घोड़े की तरह मुलायम रेत के सीलों पर अनियंत्रित दौड़ रहे थे। क्या आटा है इस जगह? भाभी मैं गूंथू आटा। और आखिरकार रेनू की कामना के आगे उसका डर हार गया। ऐसे अब वो भी महेश का भरपूर साथ दे रही थी। अरे भाभी काटो। किचन के अंदर चल रहे तूफान की आवाजों ने मेरे अंदर के तूफान को और भड़का दिया था। और उस तूफान में अचानक यौवन की एक मूर्ति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये मूर्ति और कोई नहीं, सविता भाभी थी। बारिश में भीगे उसके बदन के उतार चढ़ाव देखकर लगता था जैसे संगे मरमर से बने दो गुंबद बारिश में भीगकर और ज्यादा खिल उठे हों। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरी कामनाओं की चिमनियों से धुआं निकलने लगा। किचन के अंदर का तूफान पूरे उफान पर था। और अब एक तूफान यहां भी भड़क चुका था। और तूफान शांत हुआ तो बारिश की कुछ बूंदों की टप टप की आवाजें आ रही थी।
अब आए ना वापस हमारे मस्तराम। माँ कसम जो बात आप में है ना वो किसी में नहीं है। ये देखिए पहले आप। क्या है ये? किताबों में बिकता सेक्स। लो जी मस्तराम जी अब तो अखबार में भी हमारे चर्चे होने लगे हैं। जीजा जी इतना मत खुश होइए। ये साले अखबार वाले अगर ये सब सरकार की नजर में ले आए ना तो बंद कराने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको बात। तो कोई और छापेगा? जैसे मैं नहीं लिखूंगा तो कोई और लिखेगा, है ना? राजा राम जी आपके आने से ऑफिस में रौनक सी हो गई है। सुनो अखबार की ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। देखो जैसा वो पुरोहित जी आपने बोला था कि 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे। राजा राम नोवल हिट होने दो, इधर भी पैसे इधर भी पैसे, पैसे पैसे, क्या कहते हो? दरअसल मेरे अभी बच्ची हुई है तो। अरे हाँ बच्ची का नाम क्या रखा? कविता। Nice. बहुत ही प्यारा नाम है। भारती तुम्हारे पास है कुछ पैसे? चीजा जी उतने नहीं है। ठीक है मैं देखता हूँ। लो रखो, बच्ची पैदा हुई है, खुशी मनाओ राजा राम, पैसे आएंगे, चिंता मत करो। अरे राजा राम चिंता मत क्या करो मेरे होते हुए, ठीक है? चलो बढ़िया से लिखो, कलम चलाओ। जी चाय पियोगे? हाँ भाई, दो चाय देना। क्यों भाती? जी जी जी। इसका तो कुछ वो अजीब लग रहा है। क्या? नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। वो पुरोहित पब्लिकेशन से मिलना था मुझे। हाँ तो बोलिए। क्यों क्या काम है? अखबार से हो क्या? नहीं नहीं मैं अखबार से नहीं हूँ, मैं तो उनके फायदे के लिए आया था। अरे भारती हम बात कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। हाँ बोलिए क्या फायदा? अभी जो आपसे मिला था ना मेरा दोस्त राजा राम। राजा राम? हाँ। पहले आदमी है जो उनका असली नाम जानते हैं। आपके मित्र हैं? हाँ मित्र हैं हमारे। अच्छा, 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 अच्छा। अरे मुझे तो अखबार से तुम लग रहे हो, चुप रहो तुम, बात कर रहे हैं ना हम। हाँ जी बोलिए। कह रहा था आपसे मिलने, मैं भी राइटर हूँ। राइटर है तो आपने आज तक कुछ लिखा है? अभी तो नहीं, कोशिश है लिखने। और उनका लिखा हुआ कुछ पढ़ा है? हाँ वो पढ़ा ना, मन की विलोचना। देखो मन की विलोचना ने ही पूरी आलोचना कर रखी है, कुछ नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है? नहीं और भी तो लिखा है ना उन्होंने। पढ़ा है आपने? हाँ हाँ कई कहानियों में तो मेरा भी सजेशन है। अच्छा हाँ? एक बात बताओ, ये बनिए के लॉलीपॉप में आपका क्या सजेशन था? बनिए के लॉलीपॉप में मेरा लॉलीपॉप। लॉलीपॉप है बनिया का लॉलीपॉप, राबी जी का अंचल, दूध की डेयरी, जीजा जी का प्यार। यार ऐसी कहानियाँ कहाँ से लाते हो यार? यहीं से इर्द गिर्द मिल जाती है कहानियाँ। अच्छा देखो ये राजा राम ने जो अभी लेटेस्ट लिखा है हाँ? कुछ वैसा सा लिख के लाओ। लेटेस्ट अभी पढ़ा नहीं मैंने, तो मैं चाह रहा हूँ अगर आपके पास हो तो दे दो। नहीं नहीं ऐसा करो किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाओ, बोलना मस्तराम चाहिए, खर्च ना मिल जाएगी। अच्छा मस्तराम? थोड़ा पैसा खर्च करो, पैसा कमाना चाहते हो तो। सही। बधाई हो मामा जी, भांजा तरक्की पर है। सब देवी माँ की कृपा है मक्खन सिंह जी। क्या है कि अब सरकारी नौकरी के साथ साथ ये चलता रहता तो सब ठीक था। क्या मामा अभी लालच करते हो, दोनों हाथों से लूटने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, नहीं ये कभी भी खुश नहीं होंगे। नहीं, नहीं। ये कभी खुश नहीं हो सकते। अरे ऐसी मैं चाहे जितनी तरक्की कर लूं मक्खन जी, ये कभी खुश। अरे ऐसी बात नहीं है भांजे, तुम्हारी तरक्की में ही हमारी तरक्की है भाई। एक नहीं मैंने एक बार मक्खन जी, जब मैं दूसरी कक्षा में था ना तो मैंने अपने स्कूल में एक निबंध लिखा था, मेरे प्यारे चंदा मामा। याद है? पढ़ा था मैंने, पढ़ा था, फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे। अच्छा राजा राम बाबू हमें आपसे एक बात कहनी है। किताब तो आप मंगवाए नहीं दिल्ली से, तो आज आप अपनी 4 लाइनें पढ़ा दो हमें जी। सुना दो। राम बाबू ये तो बनता है भाई। वो हाँ वो मैं एक काम करता हूँ ना, हम जब खाना वाना खा लेंगे तो उसके बाद आराम से बैठ के सुना दो राजा राम जी। अरे वो बड़ा आपसे शर्मा रहा है। नहीं नहीं शर्माने वाली क्या बात है, सुना दो। नहीं नहीं वो थोड़ा मुश्किल। महेश जी अरे अरे महेश बात करना। अरे क्या हुआ? एक मिनट भाभी। अरे अंदर आना। अरे क्या कर रहा है? अरे सब यहाँ पर है। कौन सा उपन्यास अच्छा पा तेरा बता, कौन सा उपन्यास? चल चल क्या नाम है उपन्यास का बताता हूँ। अरे बता ना, यही बता, बोल। कहानी है। कौन सी कहानी? कहानी कुछ होगी ना जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में कहानी? क्या हुआ भैया, शर्म नहीं आती तुझे? हम लोगों के रिश्ते को बेच दिया तूने? तुम अंदर जाओ। क्या हुआ बता बता। नहीं नहीं बता ना बता। ये लिखता है ये ग्रंथ, महान ग्रंथ है ना? क्या लिखा है? क्या लिखा है भाभी, छोड़ो वो बात, पढ़ाइए मुझे। आप मत पढ़ो भाभी, हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए नहीं है, इन जैसे महान लोगों के लिए है ये ग्रंथ। तुम जैसे तुच्छ लोगों के साथ काम नहीं करना, तुम जैसे तुच्छ लोगों के साथ बैठ कर शराब नहीं पीना, तुम तो जानते नहीं साहित्य क्या होता है। अरे क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा महेश बेटा?
क्या बताएं, इसी से पूछो मामा जी क्या हो रहा है भाई, कुछ पढ़ने दीजिए मुझे। पढ़ो, पढ़ा ना। चुट, चुट, चुट। बहु इधर दो, दिखाओ मुझे। बरसात की काली घनी अंधेरी रात में महेश की कामुक नजर रेनो की कठिले पर। ओ भांजे तू तो कह रहा था तू नॉवल लिखता है, ये लिखता है तू? ओ यही सिखाया था मैंने तुझे, इसलिए कहा था मैं हिंदी में मर गया तेरा पापा। ओ मत करो, मत करो ऐसा, मत करो जी। ओ चलो सविता घर चलो। मक्कन भाई घर चलो, हट। और लिख 50 साठ, और भी रिश्ते हैं ना तेरे इर्द गिर्द, सबको भेज डाल, भेज डाल सबको। हट महेश, हट।